हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल शेफ मिंटू किचन पर। मैं हूँ शेफ मिंटू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों एक बंगाली रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों वीडियो। ये है लूची। लूची इज ए बंगाली ब्रेड बोल सकते हैं दोस्तों, बंगाली डिश है। ज़्यादातर अनुष्ठानिक घरों में या पूजा में बनाया जाता है या कोई त्यौहार में भी बनाया जाता है। ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो लूची बनाने के लिए दोस्तों हमने ले लेंगे 750 ग्राम मैदा, साथ में हम डालेंगे 250 ग्राम आटा। इसके साथ में हम ऐड करेंगे दोस्तों 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, साथ में हम डालेंगे दोस्तों 1 टेबल स्पून शुगर। इसमें दोस्तों अभी डालेंगे हम 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट हमने डाला है, डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करने टाइम पे उसको अच्छा से मैश करना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही मैश कर देना है इसको। ये जो करना है दोस्तों बिना पानी डाले ही करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही। देखिए दोस्तों, जैसे मैं मुट्ठी बांध रहा हूँ तो देखिए कितना अच्छा से, देखिए दोस्तों कितना अच्छा से दाना बन जा रहा है। तो ऐसा ही कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा हटा देंगे मैदे को, हर वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंदते रहेंगे दोस्तों। पूरा आटे को हम गूंद लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं गूंदा बिल्कुल ऐसा ही आपको गूंद लेना है। गूंदने के बाद दोस्तों थोड़ा हाथ में कुकिंग ऑयल लेना है, लेके आप अच्छे से आटे में लगा देना है। जो हमने डो बनाया है वो डो को अच्छे से लगा देना है। देने के बाद उसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। हमने ऐसे देखिए दोस्तों इसे चारों तरफ से मोड़ दिया है। मोड़ के उसके ऊपर एक थाली लगा देंगे। थाली लगा के हमने रेस्ट के लिए छोड़ देंगे मिनिमम आधा घंटे के लिए। हमारा आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम फिर से गूंद दिया है दोस्तों थोड़ा। गूंदने के बाद अभी इसका लोई बनाना है। छोटा छोटा लोई बनाएंगे, ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम का लोई हमें बना लेना है दोस्तों। तो एक एक करके जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल देखिए ऐसे हम सारे डो को लोई बना देंगे। उसके बाद दोस्तों हम बेलन और चक्की का सेटअप लगा लेंगे यहाँ पे। लगाने के बाद अभी जो लोई को जो हमने काट के रखा था वो राफली काट के रखा था, तो उसको अच्छा से घुमा के सेट करके रख लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेट किया बिल्कुल ऐसे ही सेट कर लेना है। दूसरी तरफ दोस्तों हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के गर्म करने के लिए लगा दिया है। अभी एक एक करके हम लोई को ले लेंगे, बेलन के मदद से हम अच्छे से बेल लेंगे दोस्तों। ये मैदे डाल के या कुछ और चीज डाल के आपको नहीं बेलना है, डायरेक्ट आप ऑयल डाल के ही आपको बेलना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बेला हूँ ऑयल डाल के, बिल्कुल ऐसे पतला करना है, ऐसे ही दोस्तों थिन रखना है। इसके बाद हम डाल देंगे गरम ऑयल में। गरम ऑयल में डालने के बाद दोस्तों जब थोड़ा सा हल्का ऊपर उठने लग जाए फ्राई होके, तभी आपको थोड़ा दबा देना है और साइड से आपको ऑयल को जो लूची है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके उठा देना है। ऑयल उठाएंगे और वो दोस्तों देखिए धीरे धीरे कैसा फूलता रहेगा। फिर दोस्तों पाल्टी कर देना है ऐसे, जैसे मैं किया बिल्कुल ऐसा ही करना है। करने के बाद देखिए कितना जबरदस्त फूला हुआ है, एकदम फूला हुआ लूची है। अभी एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे दोस्तों। ऐसे ही हम बाद बाकी जो हमारा लूची है उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऐसे दोस्तों लूची बना के आप कई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, कहीं चिकन पनीर या कोई और चीज़ बनाए या दाल बनाए, किसी के साथ में भी आप सर्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। घर पे बना के खा के देखिए कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।